हाय व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है तो वो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कितना एजुकेशन रिक्वायर्ड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। ये वीडियो इसलिए हमें बहुत इम्पॉर्टेंट लगा कि ज़्यादातर लोग से साइट में पूछते हैं कि भाई सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कितना नॉलेज, कितना एजुकेशन होना चाहिए, तो इसी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत मुफीद होगा। तो इसी तरह हमारे पास पॉइंट क्या है, पॉइंट है कि यू मस्ट हैव अ मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड FAFAC। अगर आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैट्रिक सर्टिफिकेट, अगर मैट्रिक सर्टिफिकेट है तो आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। तो इसके ऊपर जितने भी एजुकेशन है आपके पास, BA, BSc, बैचलर ये है तो ये बहुत अच्छे है, कोई मसला नहीं है। मगर मैट्रिक जो है वो मिनिमम एजुकेशन, मिनिमम सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आयोश एंड OSHA डिप्लोमा आपके पास सेफ्टी में होना ज़रूरी है। दोनों एक ही साथ है तो कोई मसला नहीं है, बिल्कुल अच्छा है। अगर दोनों नहीं है, एक ही डिप्लोमा है, तो एक से भी काम चल सकता है, आप सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। तो ज़्यादातर बंदों के जहन में ये सवाल रहता था कि सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो इंशाल्लाह इसी वीडियो से आप लोगों के जहन में जो सवाल आते थे वो क्लियर होंगे। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।